हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गेम वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 5 और इसमें अभी हम माइकल के साथ मिशन करने वाले हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, दो वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें ट्रेवर के साथ हमने मिशन किया था, जो कि ट्रेवर ने स्टार्ट किया था अपने मिशन। उसमें फर्स्ट मिशन था जिसमें उसने कुछ गैंगस्टर को किल किया था और सेकेंड में भी उसने कुछ गैंगस्टर की सोसाइटी कुछ किल कर दिया था पूरा। तो मतलब ट्रेवर अलग है जो कि इसमें मिशन करता है। हमारे इसमें तीन कैरेक्टर है गाइस GTA 5 में, अगर आपको पता है ऑलरेडी, आई होप आपको पता होगा कि हम इसमें फ्रैंकलिन बन सकते हैं, माइकल बन सकते हैं और ट्रेवर बन सकते हैं। तो माइकल और फ्रैंकलिन ने जब रॉबरी की थी उसके बाद अंडरग्राउंड हो गए थे, तब से दो मिशन ट्रेवर ने रेगुलर किए हैं और ये अभी माइकल जो है अंडरग्राउंड से बाहर निकल चुका है, वापस से आ चुका है अपने एक नए मिशन पे। और ये वाला एक मिशन था ट्रेवर मतलब माइकल का, ये इसका एक फ्रेंड है माइकल का, ये जो कि पुलिस ऑफिसर है आई गेस CBI में ये, और इससे कोई हमें मिशन करना था। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब इसके साथ कोई मिशन है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये CBI का बंदा है तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि CBI मतलब पुलिस, और माइकल ने तो पहले से ही क्राइम करता ही रहा है, क्योंकि इसमें माइकल है मेनली चोरी। मगर ये फिर भी फ्रेंड है तो हम इससे मिलने आ गए क्योंकि इम्पोर्टेंट था। और ये देखो, ये इसने गद्दारी कर दी आखिरकार, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर है और इसने आखिरकार अपना रंग बता ही दिया। माइकल को पीछे से मार के बेहोश कर दिया, तो मतलब माइकल जो कि हम थे इसमें वो बेहोश हो चुका है। अब देखता है क्या करना चाहता है ये, हो सकता है इसको जेल में भेज दे या कहीं भेज दे। और ये देखो, ये इसने बैग में हमें पैक कर दिया आई गेस, हाँ वो एक बैग होता है जिसमें बॉडी को पैक करते हैं। तो ये देखो, इसने पैक करके हमें कहाँ हॉस्पिटल में भेज दिया आई गेस, यस हॉस्पिटल है। और ये देखो ये लोग, और अब जाके हमें होश आया है इसमें, तो अब हमें आई थिंक यहाँ से स्केप करना है, यस। और देखते हैं क्या हो सकता है अभी। ओके, तो राइट क्लिक करना है वेकअप के लिए, तो राइट क्लिक किया हमने। और ये देखो, अब इन दोनों बंदों को यहाँ से ठोक के यहाँ से निकलना है हमें। ये CBI के बंदे जो हम पे पता नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमारे कपड़े भी हमने इसमें उतार लिए इनने। और हाँ, इसमें हो सकते हैं हमारे कपड़े। ये माइकल ने लिए अपना बैग कपड़ों का, और ये देखो ये उनके फोर्स के आ गए बंदे हमें अरेस्ट करने के लिए। अभी हम यहाँ छिपे, इसको पता नहीं है कि हमारी लोकेशन कहाँ है। अभी हमें इसे चुपके से मारना पड़ेगा और इससे गन छीनना पड़ेगा ताकि हम, यस पास में क्या है कि हमारी गन वन सब ले लिए गाइस उन्होंने। और जैसे ही हम बेहोश हुए ना, तो अभी हम जीरो पे आ गए। जैसे हम पुलिस के साथ कुछ भी करते हैं जीरो पे आ जाते बराबर। ये कौन सा बंदा था पता नहीं, इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई अजीब गरीब ये। ये सब भी क्रिमिनल है आई गेस, अगर हम क्रिमिनल है तो। लेकिन ये दोनों लड़कियां हैं शायद, ये सॉरी देखो ये डेव का फ़ोन आ रहा है हमें, फ़ोन था हमारे पास। हम हेल्प के लिए किसी को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस का मैटर है और पुलिस से हमारी पंगे है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। अब कोई हमारे पास गन है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये डेव हमसे कुछ कह रहे हैं। ऑल दैट गाइस, तो डेव से मेरी बात हो गई और डेव कह रहा है कि उसके पास कुछ बंदे जो लाइट ऑफ कर देंगे आई गेस, और हमें बाहर निकलना है तो हमें अपस्टेयर्स के पास निकलना पड़ेगा। देखो पास में आगे बंदा गोली मार दी हमें, आई थिंक डेव हमारी मदद कर रहा है यहाँ से स्किप करने में। और यहाँ पे हम फंसे अपनी गलती की वजह से, क्योंकि हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मिशन था तो हमें कंप्लीट करना ही था। और देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है आर्मर्ड भी, और हेल्थ देखो क्या हो रही है हमारी। अब उनके बंदे हमें आ रहे हैं किल करने के लिए, ये जो रेड डॉट दिख रहे सब बंदे मैप में, अच्छा वो दिख रहा है हमें। हम बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, बिना गन्स के हम आगे बढ़ रहे हैं। और यार एक इसमें शॉट में जा भी नहीं रहे ये बंदे, तो हार्ट पे गोली चलाई थी उसके बाद भी जिंदा था ये बंदा। और जैसे हम इनके पास से जा रहे हैं तो इनकी धीरे धीरे गन्स कलेक्ट होते जा रही है हमारे पास, तो जितने बंदे हम यहाँ किल करेंगे उन सब की गन्स और शॉट गन जो भी है सब कलेक्ट होते जाएंगे। ये लोकेशन देख लिया हमें जल्दी से, और इसमें अभी हम हेडशॉट नहीं मार रहे क्योंकि इसमें हमारा उतना निशाना पक्का है नहीं। मैंने आपको कहा था हमने जैसे स्टार्ट किया ये मिशन, और ये देखो शॉट गन के साथ अगर इसको जल्दी किल करना पड़ेगा तो भाई यार रिलोड में काफ़ी टाइम लगता है हमें। और ये तीनों, हमारी हेल्थ बहुत कम है गाइस, और सामने से एक बंदा आ गया कोई, अच्छा यही बंदा था, किल ही नहीं हुआ था। और इस शॉट गन भी मिल चुकी है हमें, सामने से दो बंदे और आ रहे हैं,
यस शॉर्ट गन पे फिट करते हैं हम, यार गलत शॉट मार दी हमने, कौन चिपके हैं मार रहा है, हमें भी छिप जाना चाहिए। एमओ है नहीं शॉर्ट गन की, सिर्फ 7 एमओ बची है, तो इसी से चलाते हैं। हमारी हालत काफ़ी डाउन है, इसमें थोड़ी देर यहाँ पे रखना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो माइकल फाइनली डेड हो गया है इसमें, इसमें हम रिट्राई करेंगे फिर से। आई थिंक हम इजीली स्केप कर सकते थे यहाँ से, लेकिन हमने स्केप किया नहीं, फालतू में पिट गया वहाँ पे। हम तो अभी अच्छा खासा बंदे को ठोक दिया, सामने से कोई आ रहा है। स्केप फ्रॉम द बिल्डिंग, यही मिशन है हमारा फिलहाल, और जो हम सीबीआई की चंगुल में आ गए तो इनसे बाहर निकलना है। वैसे एफबीआई आ गया इसे, ओके तो ये बंदा भी गया। अच्छा वो हमारी हेल्थ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, एक गोली लगी हमें लेकिन कंधे पे लगी है, तो वो बंदा सब डाउन हो गया है। और गोली हमने कलेक्ट कर चुके हैं, तो चलते वापस से। ये स्केप रूम था क्या? नहीं, हमें कहाँ से निकलना था? ये रूम है, यहीं से स्ट्रेट जाना है इस साइड, और यहाँ पे अभी और बंदे आएंगे तो हम छिपते हैं। ये सामने आएंगे और टर्निंग पे, जैसे आ गया, जैसे कि मैंने कहा था। अब जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वैसे ही मैं शूट करता हूँ। यस ऑल राइट, तो प्लान वर्क कर गया, और अभी हमें सिर्फ एक गोली लगी है और बंदा किल हो गया। उसकी जल्दी से गन कलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या कि एमओ हो जाएंगी हमारे पास और गन भी हो जाएंगी। इनके पास तो नॉर्मल गन है, अभी शॉर्ट गन वाला बंदा आने वाला है, उसे किल करके उसकी एमओ ले लेता हूँ मैं। जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा आगे वैसे वैसे आएगा, और देखो अभी आ ही रहा है। और ये था जिसको हमने किल कर दिया। अब दो बंदे आ रहे हैं स्पीड से, सिलेंडर कहीं था आगे साइड में, आई थिंक शॉर्ट गन चलाई उसने, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया है। दीवार पे देखो, दीवार ही क्रैक हो गई जहाँ पे हम छिपे थे, मतलब इम्पैक्ट काफ़ी पड़ रहा है। और ये आगे नहीं आ रहे हैं, ये आया था, ये बंदे को जल्दी पिक करना। जैसे कि मैंने कहा था उसके पास शॉर्ट गन थी, और शॉर्ट गन से हम एक बार में किल हो गए इसमें, तो माइकल फिर से डेड हो गया। लेट्स ट्राई, इस बार हम ये मिशन कम्प्लीट कर ही लेंगे, बहुत ईजी मिशन है, लेकिन हम इसमें अभी एक्सपर्ट नहीं हुए इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ अब इस बार हेडशॉट था तो जल्दी चला गया, और अच्छा वो इम्पैक्ट भी कम पड़ा, और एमो कलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे बंदा आके खड़ा हो गया, मेरे को दिख गया वहाँ पे, देखो जैसे ये बाहर निकलता है वैसे ही शॉट। यस शूटिंग अब माइकल की बढ़ रही है धीरे धीरे, देखो 80 out of 100 हो गई है। जैसे जैसे हमारे शॉट अच्छे होते जाएंगे तगड़े, वैसे वैसे हमारी स्किल्स भी इसमें बढ़ती जाएंगी। और एक और बंदा आ गया है यार, इसको किल करना पड़ेगा। एक तो ये ऑटो सेट नहीं करके रखा ना मैंने, एकदम से आके इस साइड खड़े हो जाते हैं तो उस साइड दिक्कत हो जाती है मारने में। और अभी फिर से हालत डाउन हो गई है, लेकिन थोड़ा रिवाइव होने देते हैं उसके बाद चलेंगे। वो भागा क्या? नहीं अब आया, हाँ एक बार में किल कर दिया वाले को, तो अब और आ रहे हैं तो खड़े हो गया। ये हाँ ये आ रहा है, शॉटगन वाला सर कौन था? शॉटगन वाला पीछे आया, यस यस ये दोनों का है। अच्छा वो शॉटगन वाला पीछे आया, नहीं तो हमारी जान जा सकती थी। और ये देखो अभी तगड़ी गन वाले आ रहे हैं बंदे, और अभी तक हमने शॉटगन भी कलेक्ट की नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़े पीछे रह के यहीं पे लड़ना पड़ेगा। ये पिलर से ही यहाँ से छिप सकते हैं हम, और आई गेस वो बाहर चले गए हैं। यस आ रहा है, एक आ रहा है, ये आ रहा है स्पीड में, ये एक बार में गया। धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, गन्स कलेक्ट करना है हमें इनकी, और शॉर्ट गन भी कलेक्ट करना है बहुत जल्द, क्योंकि इनने सारी गन्स हमारी ले ली है। हमारे पास इतने पैसे भी बचे नहीं हैं कि बार बार गया रिवाइव हो पाए, क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं हमारे पैसे जाते हैं जेब से, इसलिए वैसे तो मिशन में फिलहाल ये एक बंदा यहाँ पे छिपा हुआ था और ये किल हो गया। अच्छा वो स्किल्स हमारी बढ़ती जा रही, ये शॉर्ट गन है ये उठाना है हमें। अब आ चुकी है हमारे पास शॉर्ट गन, अब हम बंदे को मार सकते हैं, लेकिन सामने है नहीं, और ये ऑटोमेटिक वाली भी गन उठा ली हमने। खैर अब अच्छा है कि अब हमारे पास गन्स हो चुकी है, एमो आई थिंक आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम वैसे कलेक्ट होते जाएंगी। देखो कुछ भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ हाथ से हम गए थे, एक बंदे को मारा उसकी गन ले ली, और इसको रिलोड करना पड़ेगा इसकी 90 बुलेट से। यस उसने हमें देख लिया, और ये हमारी ऑटोमेटिक गन चल गई। यह हेल्थ काफ़ी इम्पेक्ट पड़ गई हमारी, देखो हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन है, थोड़ी सी रिवाइव होने देता हूँ।
अब ये बंदे को किल कर दिया, अब आगे बढ़ना चाहिए हमें धीरे धीरे। यहाँ से स्केप करना ही हमारा मिशन गाइस फिलहाल। और ये पुलिस का इलाका है पूरा, पुलिस की लैब है, कुछ करना चाह रही थी हमारे साथ। और ये बंदा भी किल हुआ कि लेटा, बस जिंदा है, गया। अच्छा वो गन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, शॉट गन से हमने शॉट दे दिया उसको। और किसी के पास अभी शॉट गन की एमो नहीं मिलेंगी क्या? कोई एक बंदा है और बाहर जिसे हमें किल करना पड़ेगा। आई थिंक एमो कलेक्ट हो गई है, बस यहाँ दिख तो नहीं रहा कोई भी मेरे को, बाहर दिख रहा है लेकिन रेड कलर का। अच्छा वहाँ पर छिप रहा है वो जो सामने है ना, एक तो शॉट भी हम लंबा लगा नहीं सकते, स्नैपर है नहीं। हाँ ये आ गया, ये गया, यस। आई थिंक प्रिटी मच सारे बंदे हमने ढेर कर दिए हैं, इतने थे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं यहाँ से और कलेक्ट करते हैं। तो माइकल का मिशन है, फ्रैंकलिन का मिशन और भी ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। ट्रेवर के तो और ज़्यादा ख़तरनाक मिशन रहते हैं। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कितने बार हमने रिट्राई किया था, पूरी की पूरी गेंग को एक साथ ट्रेवर मार देता है। और माइकल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। बाकी पुलिस का अड्डा है, अभी सामने एक और बंदा है, इसको ठोको यार। अच्छा वो कुछ ज़्यादा पास आ गया था, गन कलेक्ट कर लिया हमने, एमो कलेक्ट हुई आगे इस गन की, तो थी हमारे पास गन। और ये रेड सायरन ऑन चुका है हम, हाँ डेव का मैसेज आया है, माइकल योर वेपन विल बी इन ब्लैक ट्रेस बैग इन द एविडेंस रूम ऑन द टॉप फ्लोर। तो हमें क्या करना है, टॉप फ्लोर पे जाना है गाइस, यस टॉप फ्लोर पे जाना है। ये जो ग्रीन टैग बता रहा है वहाँ पे, और ये तो मुझे कोई हॉस्पिटल का बंदा लग रहा है और जो कि डरा हुआ है। खैर फील कर देते हैं, अगर किसी ने किसी को इसने कुछ बता दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और लिफ्ट से जाते हैं हम, लिफ्ट ऑपरेट कैसे करते ये नहीं पता, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। हो सकता है कोई और भी बंदा वहाँ पे हमारे लिए ताक लगा के बैठे, जैसे कि ये गया। हाँ अच्छा ओके हो गया, ओके। तो कोई और बंदा तो है नहीं ना, यस नहीं है। जो आया बंदा एक आया, ये जो मार रहा है शॉट, और ये किल हो गया, इसने ज़्यादा ही मार दी थी गोली हमें। और ऊपर जाना है क्या, ऑन टॉप फ्लोर बोला था ना उसके मैसेज में कुछ। सीढ़ियाँ समझ में नहीं आ रही है, सीढ़ियाँ ये भी है वो भी है, ये डाउन है वो अप है, तो अभी जाना कहाँ है हमें, अप में जाना है। लेकिन अलग अलग बनाई इन्हें, अप चढ़ने के लिए अलग है, डाउन चढ़ने के लिए अलग है, कोई और आ रहा है ऊपर से आ रहा है। यस गया, ऑलराइट। तो आई थिंक मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इनकी गन कलेक्ट करते हुए जाना है, इनकी एमओ की भी सब, तो ज़्यादा इससे लड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं आने को होना। इसके फ्रॉम द थ्रोट द विंडो, ओके। तो ये रहा एक बंदा, इसको किल करना है, यहाँ तीन है तो यहाँ पे गन में सोचा हूँ चेंज कर लूँ। तो ये गया, एक गया दो बाकी है, अंदर जाना है गए समय, कुछ एविडेंस की हमारे अंदर कलेक्ट है जो कलेक्ट करना है हमें। आई थिंक कोई क्राइम भी हमने किया होगा तो उसका होगा। ये दो बंदे हैं जो कि यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा देखता हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको भी कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मच उनको आइडिया है कि मैं कहाँ हो सकता हूँ। लेकिन ये बंदे के ले सकता हूँ मैं इजीली। और सीढ़ियों से दो बंदे और आ रहे गाइस, यस इनको यहाँ छिप के देना पड़ेगा हमें। गलत, हाँ ये गया, एक और आ रहा है, गिरा, ओके। तो ये बंदे को भी किल कर दिया हमने। अब जो एक अंदर वाला बस बचा है ना उसको थोड़ा देना है, जो कि हम यहाँ छिपके, उसके पास ऑटोमेटिक गन है, ऐसे में ऑटोमेटिक गन स्विच करनी चाहिए या इसी से दे दूँ, थोड़ा सा आने देते पास, अब देते हैं। हो गया, ये भी किल हो गया। अभी धीरे धीरे हमारी इसके इसमें स्किल्स जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी ना, तो उतने ज़्यादा ही हम
इनको एक बार में ही किल करते जाएंगे, तो उसमें क्या है कि हमारे पास गन कम भी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिलहाल हम लैब में आ चुके हैं। लैब की बात कर रहा था कोई मैसेज भेज के, वो कोई लैब में ब्लैक कलर के ट्रेस्ट बैग में है बोले, तो ट्रेस्ट बैग आई थिंक कलेक्ट कर लिया हमने नीचे था। और अब चलते बाहर, क्या चल रहा है यहाँ पे, और विंडो से बाहर जाना है ना हमें। तो ये रहा डोर, शूट आउट द विंडो एंड एस्केप। नीचे नहीं जा सकते क्या नीचे? अच्छा नीचे और पुलिस वाले मिल जाएंगे। ये एविडेंस का रूम था इनका, FBI का। और हमने विंडो ब्रेक किया, एक्स टू क्लाइम आउट। ओके, तो क्लाइम करके ये कचरे के इसमें आ गए हम। माइकल ने जंप ले लिया भाई और स्केप हो चुका है। वैसे अभी स्केप नहीं कह सकते क्योंकि कॉप्स पीछे पड़ चुकी है 3 स्टार। हमें कोई अच्छी सी गाड़ी हो ना, ये देखो जूलिया चलने लग गई है, आ भी गए थे यार इतनी जल्दी। लेकिन खैर अब एक बार गाड़ी में बैठ गया ना तो हम निकल ही जाएंगे यहाँ से। तो यार ये रास्ता किधर किधर है? हाँ ओके, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं रखा था हमने, पास में था, सिटी में कहीं। और अब अच्छा है कि हमने कन्वर्टेबल कार नहीं ली, नहीं तो गोलियाँ ज़्यादा लग सकती थी। ये वाली कार है सही है, हम बीच में आगे चल के चेंज भी कर देंगे कार। इसकी ड्राइविंग स्किल्स आपको पता ही था माइकल की, इसमें काफ़ी ख़राब है अभी, ड्राइवर की भी काफ़ी ख़राब है। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी ना देखिए सामने भी वाइट ट्रक रास्ता ब्लॉक करके खड़ा हुआ है, पुलिस की नज़र से हम दूर है अभी। पुलिस को अभी पता नहीं हमारी लोकेशन कहाँ है क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं आ रहे ऊपर, और जो सामने से आ रही है पुलिस चेक करते हुए। तो हमें यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए थोड़ा धीरे धीरे। उनके वो जो रेडार चल रहे ना उनके आसपास नहीं होना हमें, अगर रेडार में कैप्चर हो गए ना हम तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये देखो एक बंदे को हमने ऐसे उड़ा दिया यहाँ पे, एक ही एक लाइन में ढूंढ रहे वैसे वो पुलिस वाले मुझे। और इतने बड़े शहर में अब प्रिटी मच हम स्केप हो ही चुके। ये लिखा है गो टू द ऑयल डेरिक्स। ओके, फ्रैंकलिन को हम कॉल कर रहे हैं जो कि हमारा पार्टनर था लास्ट टाइम रॉबरी में, जब हमने ज्वेलरी शॉप ड्रॉप की थी इसमें। और अभी ना हम स्किल्स काफ़ी वैसे अच्छी हो रही है इसकी ड्राइविंग स्किल्स, अभी मैं काफ़ी स्पीड से चला रहा था उसके बाद भी। गाड़ी का तो हाल बेकार हो ही गया लेकिन फिर भी अच्छी खासी स्किल्स है इसकी, स्किप कर गया है फिर सर पुलिस से इसमें, वो भी 3 स्टार। अब टाइम टू चेंज द कार, कौन सी कार लो जो अच्छी भागे वो कार लेना चाहिए हमें। पुलिस से तो लूज हो चुके हैं लेकिन वाली पुरानी कार है, ओल्ड कार। अभी यहाँ व्हाइट कलर की कार देखी थी मुझे, फ्रैंकलिन जो ड्राइव करता है नॉर्मली। अभी कौन सा बंदा यहाँ रोड पे कूद रहा है? और डेव से कॉल करके अभी हम बात कर रहे हैं जिसने हमारी मदद की थी पुलिस से भागने में। ये सब ओल्ड कार है, ये भागने में है नहीं सारी की सारी कार है, इनको नई टाइप की कार होना था कुछ। उसमें ज़्यादातर मैंने मूड नहीं लगाया तो उस चक्कर में कारें बहुत पुरानी एंटिक टाइप की यूज़ करते। हाँ ये वाइट वाली कार जा रही है, मैं ये वाली ड्रॉप करने की ट्राई करता हूँ। फ्रैंकलिन के पास जो ड्राइव करता था वो सिग्नल पर रुकी क्या? हाँ रुकी है, यस यस थोड़ी देर रुक जा, मैं आ रहा हूँ पीछे से भागते हुए। और अभी हमें ऑयल ट्रिक पे जाना है कुछ, देखते हैं वहाँ पे आई थिंक ये मिलेगा, यहाँ पे इसके साथ मिशन करना पड़ेगा। और ये देखो ये एक ही कार है यहाँ पे जो मेरे को नई लग रही है, बाकी सब एंटिक कारें चल रही है, पता 90s की कारें है इसमें, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रही कौन सी पावरफुल है कौन सी नहीं है। सामने भी सुपरा है सुबारू। तो यहाँ से फाइनली हम स्किप कर ही गए और ऑयल रिग पे जाना है हमें, तब मिशन कंप्लीट होगा। तो एक छोटा सा मिशन था ये जो हमने माइकल के साथ कंप्लीट किया जो कि शहर में था FBI के साथ, और FBI के चंगुल से हमें भागना था क्योंकि हमारे फ्रेंड ने हमें मतलब धोखा दे दिया था, FBI वाला था वो। उसने कुछ हमें कह के बुलाया कि हम मिशन करेंगे, हमें मतलब कुछ हमारे लिए काम है, तो हम गए उससे मिलने के लिए, लेकिन उसने हमें ही अरेस्ट कर लिया। हालांकि भरोसा कर नहीं सकते थे उसका बिल्कुल भी। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमें पहुंचने में, और ये गाड़ी को मैंने हाल बेहाल कर दिया है ठोक ठोक के।
ओके तो जस्ट इन टाइम ये काम पहुँचे। हाँ ऑफ रोडिंग में जाना था ना हमें। यस और स्ट्रेट जाना है। ओके ये गाड़ी तो वैसे भी चल रही है, बहुत बड़ी बात है। देखो फ्रैंकलिन को बुलाया था हमने मिलने के लिए यहाँ पे, और फ्रैंकलिन को हम बता रहे कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या किया वो क्या था, ड्रिक नाम था आई थिंक उसका, फ्रेंड बन रहा था लेकिन पुलिस वाला था इसलिए उसने हमें अरेस्ट कर लिया। और अभी हम फ्रैंकलिन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसको बता रहे कि हमारे साथ क्या हुआ और उसका प्लान क्या है। हो सकता है आगे फ्रैंकलिन को भी अरेस्ट करने की ट्राई करे। और अब जब ये मतलब उसके चंगुल से बाहर निकल चुका है तो हो सकता है इसे भी वापस से ट्रैक करने की ट्राई करे। तो इनको अब बच के रहना पड़ेगा पुलिस से, क्योंकि लास्ट टाइम इनने रॉबरी की थी और उससे ये पीछे पड़ चुके हैं। हो सकता है कोई गैंगस्टर से भी लड़ाई हो चुकी हो इनकी। An informal witness protection program. He helped me. Yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Okay, तो फ्रैंकलिन से बात चल रही है अभी। Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides, you know, until I can find a way out of this shit. और लाइक तो माइकल कह रहा है फ्रैंकलिन को कि तुम जानते हो, बोले ट्रेवर को, वो उसके कंपेयर में अगर तुम मुझे रखो तो मैं एंजल हूँ, बोले मतलब है तो नहीं मगर क्रिमिनल कम है, क्राइम कम की इसमें, इसलिए अपने आप को एंजल कह रहा है। तो अब आगे हम क्या करेंगे यही सोच रहे हैं दोनों। और बस प्रीटी मच आज के लिए बस इतना ही गाइस, आज का मिशन कंप्लीट हुआ हमारा जो कि माइकल का एस्केप का था मेनली, और एस्केप कर लिया फाइनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आगे हम और भी इसके साथ फ्रैंकलिन ड्राइवर के साथ बहुत मिशन करने वाले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ये देखो फ्रैंकलिन जा चुका है बाइक लेके, तो हमारा मिशन हो चुका है कम्प्लीट, मिशन फास्ट।